दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं कोरवॉश 10.0 ए का। तो ये अभी रिसेंटली यहाँ पर लॉन्च की गई थी और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया। इंस्टॉल प्रोसेसर बिल्कुल सेम है, आपको TWRP में जाना है, फाइल को फ्लैश कर देना, उसके बाद आपकी फाइल जो इंस्टॉल हो जाएगी। इसी के साथ में आपको GApps मिल जाने वाले हैं, लेकिन साथ में एक ऑडियो फाइल होती है जो कि आपको फिक्स करने के लिए डालनी होती है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में आपकी जो आवाज़ है वो यहाँ पर बहुत ख़राब हो जाती है माइक की। तो ऑडियो फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करें इस रोम की, तो रोम को मैंने एक हफ्ते लगभग यहाँ पर यूज़ कर लिया है, तो इसके बाद मैं इसका रिव्यू आपको देने वाला हूँ। तो काफ़ी मज़ा यहाँ पर मुझे आया है इस रोम को चला के, और बताऊँगा मैं आज इसको इसमें क्या क्या आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं, क्या कुछ मुझे कमियाँ लगी हैं इसमें, और क्या कैसा इसकी परफॉर्मेंस रही है। तो आज की वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, प्ले स्टोर में आ गए हैं, वहाँ पे सेटिंग में आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको दिखता है प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट, तो डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड यहाँ पे मिल जाता है। तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन इस फोन के लिए जितनी भी रोम है उन्हीं में सभी में आपको प्ले प्रोटेक्शन नॉट सर्टिफाइड मिलता है। तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आती हैं कुछ एप्लीकेशन चलाने में, उसकी बात करेंगे आगे चल के। और एक छोटी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जैसे मैं यहाँ पर सेटिंग में जाता हूँ और कनेक्टेड डिवाइस में जाता हूँ, तो यहाँ ब्लूटूथ में जाता हूँ, तो ब्लूटूथ में जो ब्लूटूथ का नाम है वो यहाँ पर XT दिखाता है। तो मुझे लगता है जो ये रोम है आपकी XT के लिए थी, और उसी को मॉडिफाई करके रियलमी एक्स के लिए यहाँ पर बनाया गया है। अब बात करते हैं सेफ्टी नेट टेस्ट की, तो उसको देख लेते हैं यहाँ पर पास करता है या फेल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए इसको फेल करने वाला है क्योंकि प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफाइड हमारा सर्टिफाइड नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए फेल हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिक इंटीग्रिटी और CTS प्रोफाइल मैच नहीं होती आपकी, वो दोनों यहाँ पर फेल हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं DRM इन्फो में, तो यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल L3 का मिलता है। तो जैसे ही आप अपने फ़ोन में यहाँ पर कस्टम रोम डालना शुरू करते हो, तो यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल आपको L3 का मिलने लगता है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम ये होने वाली पड़ेगी, आप कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह का जो कंटेंट है उसको HDMI ब्राउजर नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर सिक्योरिटी पैच की बात करें, तो यहाँ पर आपको 5 अक्टूबर 2020 का मिल जाता है, और जो आज तारीख है वो 7 नवंबर है। तो ये अभी के हिसाब से काफ़ी लेटेस्ट यहाँ पर जो आपको सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही मैं यहाँ पर कर्नल की बात करूँ, तो आपको एबोमिनेशन का जो कर्नल का सपोर्ट मिल जाता है, तो इससे काफ़ी अच्छी फोन की परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है। साथ में कुछ बेसिक यहाँ पर गेमिंग की बात करूँ, तो PUBG फिलहाल मैंने बंद कर दिया, लेकिन Asphalt 8 यहाँ पर मैंने खेला है। तो फोन में आपको हीटिंग इश्यू देखने के लिए मिलता है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत होता है, अभी मौसम भी यहाँ पर ठंडा चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस इस रोम की रही है, और काफ़ी आपके जो ग्राफिक्स है और स्मूथनेस है काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिल जाती है। तीनों ही अच्छे से यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिंगरप्रिंट के साथ एक इशू स्टार्टिंग में ये था कि मेरा फोन का फिंगरप्रिंट सेटअप हो जाता था, लेकिन साथ उसके बाद जो ये काम नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे 2-3 दिन जैसे हुए उसके बाद फिंगरप्रिंट यहाँ पर काम करने लगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्लो है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, लेकिन काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये मेरा फिंगरप्रिंट से ओपन हो जाता है। और इस रोम में आपको पहले जो हमें 9.5 में नहीं देखने के लिए मिला था और 10 में देखने के मिलता है, वो आपका ऐप लॉकर। तो यहाँ पर ऐप लॉकर आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऐप्स को लॉक करने के लिए। यहाँ पर आपको कोई भी थर्ड पार्टी का जो एप्लीकेशन है वो डालने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से लॉक कर सकते हैं, फिर उसको आप अनलॉक सेट कर सकते हैं पिन से या फिर फिंगरप्रिंट से। तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर ये रही है। यहाँ पर कैमरा 2 API आपको इनेबल मिलता है, जिससे कि आप गूगल कैमरा वगैरह यूज़ कर सकते हो। बात करें रैम की, तो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट में चेक कर लेते हैं इसको, तो अभी मेरे फ़ोन में काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा यूज़ हो रहा है 65% यूज़ हो रहा है। 2.8 GB यहाँ पर मेरी जो रैम है वो फ्री है, 5.2 GB यहाँ पर यूज़ हो रही है। अभी कोई पीछे हैवी टास्क नहीं हो रहा है, गेमिंग वगैरह नहीं हो रही है, लेकिन रोम आपकी काफ़ी स्मूथ यहाँ पर चल रही है, ऐसा कोई लैगिंग यहाँ पर देखने नहीं मिलती है। और साथ में किसी एप्लीकेशन को ओपन करने की बात करूँ, तो वो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ओपन हो जाती है जल्दी। तो पता नहीं इतना रैम 65% कहाँ पर यूज़ हो रहा है, लेकिन मुझे ज़्यादा यहाँ पर कहीं किसी चीज़ में देखने के लिए इशू नहीं मिला है। यहाँ पर साउंड क्वालिटी की बात करें, तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पर रही है, लाउड रही है, डॉल्बी के आइटम्स का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। ईयर पीस की बात करें या फिर स्पीकर की बात करें, दोनों में अच्छी आवाज़ आती है, लेकिन आपको माइक के में शुरू में थोड़ा इशू होने वाला है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया, आपको जो एक ऑडियो फाइल होती है वो यहाँ पर फ्लैश करनी होगी रोम के साथ में, तभी आपका जो माइक अच्छे से काम कर पाएगा। साथ में ब्लूटूथ या फिर वायर्ड ईयरफोन की बात करें, दोनों अच्छे से काम करते हैं। अभी सुन लेते हैं एक छोटा सा थोड़ी सी साउंड। तो यहाँ पर अभी सुनिए आपने छोटी सी साउंड, यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्लियर साउंड आती है, और साथ में बेस वगैरह भी अच्छे से काम कर रही है और काफ़ी लाउड है, इतना भी लाउड नहीं कि वो जो स्पीकर है वो यहाँ पर झनझन की आवाज़ करने लगता है। वोल्टी और वो वाईफाई की काम बात करें, तो वो दोनों ही अच्छे से यहाँ पर काम कर रहे हैं, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं मिला है, दोनों ही ठीक अच्छे से काम कर रहे हैं। बैटरी बैकअप की बात करें, तो यहाँ पर बैटरी बैकअप आपको नॉर्मल मिल जाता है, लगभग आपका पूरे दिन चल जाती है अगर आप नॉर्मल यूज़ पे करते हैं, आपका लगभग 12 घंटे तक आप बैटरी बैकअप फ़ोन दे देता है अगर आप नॉर्मल टास्क करते हैं, गेमिंग वगैरह नहीं करते हैं। साथ में चार्ज
चार्जिंग की बात करें तो लगभग आपका फ़ोन 1.5 घंटे में यहाँ पर फुल चार्ज हो जाता है, जिसके बाद में आपको जो बैकअप है वो लगभग 10 से 12 घंटे मिल जाता है। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया यार, मैंने गेमिंग इस पर करी है तो यहाँ पर हीटिंग इशू ऐसा कोई देखने के लिए नहीं मिला है रोम में, और इसमें हमें साथ में स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिल जाता है और साथ में काफ़ी सारा जो कस्टमाइजेशन हमें मिल जाता है यहाँ रिवेंस लेयर में, यहाँ ऊपर देख सकते हैं, और यहाँ पर थीम्स वगैरह मिल जाते हैं। इनके बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो है एक, जिसमें कि इस 10.1 का Asus Max Pro के लिए रोम का रिव्यू किया गया है, वहाँ पे लास्ट में पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है लगभग 8-10 मिनट, तो वो वीडियो देख सकते हैं आप कैसे कैसे सेटिंग्स इसकी है और क्या क्या इसमें आपको एक्स्ट्रा जो एडिशनल आपको एडिटिंग है कस्टमाइजेशन है वो मिलता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा कोई बग यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, कॉलिंग वगैरह स्क्रीन वगैरह जो भी सब चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ अभी तक भी इन्होंने फिक्स नहीं करी गई है, तो यार इसे जल्दी से फिक्स करिए, पता नहीं ऐसा क्यों है कि इस पर चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको पेन की जो टैप है बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पर टैप करना होता है, उसके बाद आपके जो ये आइकन्स हैं वो यहाँ पर ओपन होते हैं, तो यार ये चीज़ यहाँ पर कॉर्बोस वालों को ये कॉर्बोस वालों को ये चीज़ फिक्स करनी चाहिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, ये था एक छोटा सा रिव्यू कॉर्बोस का, तो यहाँ पर आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इस रोम को एंजॉय कर रहे होंगे। और साथ में मैं आपको बता दूँ फ्लैशिंग बिल्कुल ईजी है, और इसका बूट लोडर या फिर आप TWRP डालना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल पर वीडियो है, आप चैनल पर जा सकते हैं, वो वीडियो को सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, बहुत ईजी यहाँ पर मैटर रहने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, अभी भी कुछ पूछना चाहते हैं बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा। साथ में चैनल पर नए हैं और यार चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ही कस्टमाइजेशन या फिर नई नई वीडियोस देखने के लिए मिलती रहती है। मैं मिलता हूँ आने वाली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।